कि जब किरली की दुम उतर जाती है काफी देर के लिए हिलती रहती है कि जो राणा साहब अच्छा नहीं लगता कि मैं अले से बात करूं तो फिर उनको जिम्मेदारी कबूल करके अपने से रिजाइन करना चाहिए सियासत की बसात पे आए रोज जो है नई चालें चली जा रही है दानियाल अजीज ने लाइव शो में उजमा बुखारी को क्या कह दिया कि जिसके बाद जो है उज्मा बुखारी की चीखें निकल गई जावेद लतीफ ने भी राना सोनावला के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है

पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी हर वक्त मैंने तो नहीं कहा कि खत्म हुई है ये मुझे मिसकोट किया गया मैंने कहा ये हिलनी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी मैंने ये कहा, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि खत्म हो गई है जान जी ने यहाँ पे वाकई बहुत ही जबरदस्त मिसाल पेश की है पाकिस्तान से नवाज की सियासत को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से नवाज की सियासत के साथ वाकई ऐसा हो रहा है उसमें हरकत तो हो रही है लेकिन वो हरकत जो है हर रोज दम तोड़ती जा रही है तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं सियासत की बसात के ऊपर जो है आए रोज नई चाले चली जा रही हैं क्या चाले चलने से जो है हक को मस्त किया जा सकता है क्या सियासत जो है हकीकत की बुनियाद पे की जानी चाहिए या चालबाजियां की जानी चाहिए क्या चालबाजियां जो है कभी भी हकायक के ऊपर जो है जीत सकती हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने हमेशा जो है चालबाजियों की सियासत की और दो हज़ार चौबीस के इलेक्शन ने वाजे कर दिया कि हर रोज़ जो उनकी चालबाजियों की वजह से उन्हें जो है शिकस्त फाश हो रही है जावेद लतीफ़ ने राना सनाउल्ला के बारे में एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है हम पहले आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं फिर से बात करते हैं राना सना साहब हों या तनवीर साहब हों वो कह सकते हैं कि ये आ रहे हैं मगर वो दूसरे के मुतल कैसे कह सकते हैं कि वो जिस तरह मैं वो भी आ रहा है इस तरह मुनासिब नहीं होता कि जो राणा सनावला साहब अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले से बात करूँ उनको शायद अच्छा लगता होगा आ, मगर मैं तो रज करूँगा कि अगर वो इतना ही फेयर फ्री इलेक्शन समझते हैं दो हज़ार अठारह और दो हज़ार चौबीस को भी तो फिर उनको ज़ुमेदारी कबूल करके अपने उदे से रिज़ाइन करना चाहिए फिर उनकी कारफॉमेंस जो है वो जमत फिर आप ये देखें अगर फैसलाबाद 2018 में भी पूरा डिस्ट्रिक हार जाता है और 2024 में भी हार जाता है फिर किसी जगह तो तो खामी है ना अगर डिस्ट्रिक्ट का मैच होता फैसलाबाद का तो मैं रिज़ाइन उसी वक्त कर देता 2018 के नतीजे के और अगर वो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं थे तो 2024 के वो कह रहे हैं कि फेयर थे तो फिर इस पर उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थीदार है, 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 है तोड़ की, की वजह से, की की से खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या अख्तलाफात इस कदर वाकी बढ़ चुके हैं कि पार्टी के अंदर जो है दो ग्रुप्स हैं इन दोनों बातों को जो है किसी भी सूरत में जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ये बात भी सच है कि पाकिस्तान सिंह नवाज जो है तोड़फोड़ का शिकार है पार्टी जो है दो ग्रहों में तकसीम है एक ग्रोह जो है शहबाज शरीफ के पीछे चल रहा है तो दूसरा ग्रोह जो है नवाज शरीफ के पीछे चल रहा है लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बयानबाजी में कहीं ना कहीं सियासत भी जरूर मौजूद है एक तरफ जो है स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां दिया जा रहा है दूसरी तरफ जो है स्टैब्लिशमेंट के हक में

अवाम को धोखा देना पड़े अवाम को धोखा दे के अवाम की आंखों में धूल झोंक के पाकिस्तान से नवाज़ ने बहुत ज़्यादा सियासत कर ली लेकिन कामयाब नहीं हो सके और आए रोज़ जो है उनकी सियासत मुसलसल तौर पे नाकाम हो रही है नौजवान नस्ल जो उनकी सियासत से मुतनफ़र है वोट दे के नौजवान नस्ल ने साबित कर दिया है कि जो भी झूठ बोलेगा जो भी चालबाजी करेगा जो भी ड्रामेबाजी करेगा उसे मुँह की खाना पड़ेगी और शिकस्त फास्ट हुए दो हज़ार चौबीस के इलेक्शन में पाकिस्तान से नवाज के मुकदम में पहले ही लिखी जा चुकी है अपनी राय का जो जो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी जबान में रखे